हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम जे क्लैक 07 में। तो दोस्तों आप देख ही रहे हो, आज बहुत अच्छी धूप आई थी तो सब में वाटरिंग कर दी है मैंने, और लेकिन पत्तों पर नहीं करी है, खाली मट्टी में करी है। तो जितने भी पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं आप देख ही रहे हो, रोज़ डेली मैं अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ देखो पिटूनिया के 2 फ्लावर्स खिल चुके हैं, ये भी खिलने वाला है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अंदर से जो अंदर इसके बीज दिखते हैं बीज, तो ये भी देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है मैरीगोल्ड का प्लांट, मिर्ची का भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, सारे पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये वाला भी देखो, इसमें भी न्यू पत्ता आने वाला है। और ये मैरीगोल्ड का फ्लावर जो है खिलने ही वाला है, बस पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है खिलने में। और सारे पौधे जो हैं अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सदाबहार भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये भी मिर्ची का पौधा है छोटा सा। और ये जो पंसी का पौधा था ये मर चुका है मेरा। और यहाँ देखो साबुत धनिया देखो बहुत सारा घना हो गया है, आप देख ही रहे हो बहुत घना हो चुका है। तो आप जितने भी मेरी वीडियो देखते हो सब में आपको अलग तरीके की एक नई चीज़ मिलती होगी। तो यहाँ पे देखो ये धनिया भी जो है ग्रो तो कर रहा है लेकिन धीरे धीरे सूख रहा है, क्योंकि अब वाटरिंग कम कर रहा था इसलिए आज ज़्यादा वाटरिंग करी है, क्योंकि धूप बड़ी अच्छी आई आज। जितने भी पौधे हैं अच्छे सब बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं। इसमें भी देखो छोटे छोटे 2 पौधे आ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और बताएं मेरे को। ये देखो कितने सारे काले कीड़े हो रहे हैं, ये सब हटा दूंगा अभी थोड़े दिनों में। यहाँ पे भी देखो अच्छे से प्याज ग्रो कर दिए, यहाँ पे मिर्ची के पौधे हैं, और यहाँ भी देखो छोटी वाली प्याज भी देखो कितनी बढ़िया ग्रो कर चुकी है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं गार्डन कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आगे और अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।